हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट तैयार होने वाली रेसिपी, दही पूरी चाट, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की डिलीशियस रेसिपी। इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले उबले हुए आलू चाहिए। अब हम दो आलूओं को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से काट रही हूँ, तो हमें बिल्कुल छोटे टुकड़े काटने हैं। आप इसी तरीके से आलू को बिल्कुल बारीक कर लीजिए। आप आलू को उबाल लीजिए और उसे ठंडा करके आप इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। तो देखिए, आलू बिल्कुल तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बारीक काट लिए हैं मैंने आलूओं को। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। ये है उबले हुए काले चने। आप उबले हुए काले चने की जगह काबली चना, जो वाइट वाला होता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार या फिर आधा चम्मच। ये है काला नमक, ये भी हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। सादा नमक, ये भी टेस्ट के हिसाब से डालिए। भुना हुआ जीरे का पाउडर, ये है आधा चम्मच। काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो हाथ का यूज़ भी कर सकते हैं, हमें अच्छी तरह से मिलाना है। आलू का मिक्सचर तैयार है और ये हैं गोलगप्पे। ये रेडीमेड गोलगप्पे हैं, इनकी हमें पतली वाली परत तोड़नी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप गोलगप्पे घर पे बनाना चाहें तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। आप आई बटन को क्लिक करके वो रेसिपी देख सकते हैं। मैंने ये गोलगप्पे बाज़ार से लिए हैं, जो कि बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं हर जगह पर। अब हम इनकी ऊपरी साइड को तोड़ देंगे इस तरीके से। अब हम देखते हैं हमें और क्या क्या चाहिए, आप देख लीजिए। सबसे पहले ये है सौंठ, इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये है हरी धनिया की चटनी और ये है दही। हमें दही में चीनी डाल के इसको मिलाना है। तो आप एक से दो चम्मच चीनी डाल लीजिए। अगर आपको दही थोड़ी गाढ़ी लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, क्योंकि हमें गाढ़ी दही नहीं चाहिए, थोड़ी सी पतली ही चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो गई है। अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। ये जो आलू का मसाला हमने बनाया था, वो हम सभी गोलगप्पों में थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, आप एक चम्मच आलू का मसाला सभी गोलगप्पों में डाल दीजिए। तो आप इस तरीके से सारे गोलगप्पे भर लीजिए। तो मैंने सभी गोलगप्पों में आलू का मसाला डाल दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हरी चटनी डालेंगे सारे गोलगप्पों में। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं चटनी को। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप चटनी ज़्यादा डालिए, अगर तीखा कम पसंद है तो चटनी थोड़ी कम डालिए। तो ये देखिए, मैंने सभी गोलगप्पों में चटनी डाल दी है। इसके बाद अब हम इसमें सौंठ डालेंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने सभी गोलगप्पों में सौंठ की चटनी को भी डाल दिया है। ये चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आपको जितना पसंद है आप उतना डालिए। तो ये देखिए, सभी गोलगप्पे तैयार हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे मीठी दही, जो हमने तैयार की है। तो आप एक एक चम्मच अच्छी तरह से इसमें डाल दीजिए। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बिना गैस जलाए हम ये इतनी टेस्टी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, और ये सभी सामान हमारे घर पर आसानी से मिल जाते हैं। तो अब हम दही को गोलगप्पों के ऊपर इस तरीके से फैलाएंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसके ऊपर और चटनी और ये सौंठ भी डाल सकते हैं। ये सब आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सॉस डालना चाहते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर,
तो थोड़ा सा आप डाल दीजिए। इसके बाद हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद हम भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालेंगे। आप एक एक या दो दो चुटकी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। अब हम इस पर अनार के दाने और ये आलू की भुजिया भी डालेंगे, इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो इसके ऊपर मैं आलू की भुजिया डाल देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी भुजिया आप सभी गोलगप्पे के ऊपर डाल दीजिए। और लास्ट में अनार के दानों से इसको गार्निश कर दीजिए, जिससे ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसी तरीके से इसको खा सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर और चटनी डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी और चटनी डाली थी, ये देखिए, और ये बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।